हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी टॉपिक जो हो जाती है स्पेशली सेकंड प्रेगनेंसी प्लानिंग के बारे में। तो सेकंड प्रेगनेंसी, नॉर्मली प्रेगनेंसी ही हम लोग ऑलरेडी आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्लान करके करते हैं, एंड इवन वो चाहे फर्स्ट प्रेगनेंसी हो या फिर सेकंड प्रेगनेंसी हो। रही बात सेकंड प्रेगनेंसी की, जब आते हैं तो हम लोग थोड़ा सा और ज्यादा प्लानिंग करने लग जाते हैं उसको लेके, एंड बहुत सारी चीजों के बारे में आज के डेट में हमें कंसिडर करना पड़ता है। एंड स्पेशली आप में से बहुत सारे लोग जो भी मेरे ब्लॉग्स फॉलो करते हैं उनको पता होगा, ये मेरे ब्लॉग चैनल पर मैं शेयर करती हूँ। फिलहाल जैसे मेरे प्रेगनेंसी जर्नी जा रहा है, मैं इन डिटेल्स बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो आप चाहो तो ब्लॉग देखने के लिए भी मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई होप आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। एंड आपको ये भी पता होगा, जैसे कि मैंने शेयर करा था मेरी PCOD जर्नी भी मैंने शेयर करा हुआ था, कैसे कंसीव करा उसके बारे में भी बहुत सारे सवाल आते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं बनाऊंगी वीडियो। तो फिलहाल मैं अपनी थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड एंड टाइम में हूँ। सो मुझे लगता है कि जो जो चीज़ें हमारी गायनोकोलॉजिस्ट ने कुछ चीज़ें सजेस्ट करी थी, सोचने के लिए बोला हुआ था, एंड कुछ चीज़ें हमने अपनी तरफ से सोचा हुआ था। सो चलिए मैं आपके साथ इन डिटेल शेयर करती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगता है प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, एंड जो भी इस वीडियो की जिसकी जरूरत होगी जिन लोगों को भी, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। एंड नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे मतलब हम दोनों को, महेंद्र एंड मुझे दोनों को ऐसा लगता है कि सबसे पहली बात सेकेंड प्रेगनेंसी की बात जब आती है ना, कंसीव करने सोचने की प्लानिंग करने की, मुझे लगता है आज के डेट में फर्स्ट एक हो जाता है जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, आप लोग फाइनेंशियली कितना ज़्यादा डिपेंडेंट हो या फिर इनडिपेंडेंट हो, ये आपके ऊपर आपको पता होगा आपके बारे में। आज की डेट में अगर एक अच्छे से स्कूल में हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं सो उसमें बहुत सारी फीस लगती है, स्कूल फीस, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में हमको पैसा देना पड़ता है। जैसे अगर आप बड़े सिटीज़ में रहते हो तो घर के रेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ट्रैवल के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है आपको, बहुत सारी चीज़ें जो कि फाइनेंशियली हम लोग हर महीने खर्चा करते हैं कुछ। तो जब एक बेबी हो जाता है तो आपकी फर्स्ट बेबी, तो उसकी स्कूल की फीस हो गई, उसके अलग से जो भी एक्सपेंस जो भी होते हैं बच्चों के, आपके घर के, वो तो चलता ही होगा। साथ ही साथ आपके साथ एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, चाहे बच्चा छोटा भी हो, न्यूबॉर्न हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर कुछ भी एक्सपेंस नहीं होता, कुछ भी फाइनेंशियली खर्चा करने को नहीं पड़ता, डायपर्स हो गए, दूध हो गए, बहुत सारी चीज़ें। एंड स्पेशली जब वो थोड़े से और बड़े होंगे, दो बच्चे इकट्ठे स्कूल जाएंगे, उनके फ्यूचर के लिए बहुत सारी सेविंग्स आपको अभी से करनी पड़ेगी, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्पेशली मुझे ऐसा लगता है हम दोनों के ये एक पहला पॉइंट होना चाहिए कंसीडर करने का, जब आप बेबी प्लानिंग करने के बारे में सोचो कि क्या आप फाइनेंशियली इतनी इंडिपेंडेंट है कि दोनों बच्चों को, अपने घर को सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड वो जब हो जाता है तो दूसरी एक बारी आती है कि जो मदर है उसकी बॉडी के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में, मतलब वो उस वक्त जब वो सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान करने के बारे में सोच रही हैं, उनकी बॉडी कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि उनको अगेन 9 मंथ बेबी एक कैरी करना पड़ेगा। ये कभी मत सोचना कि अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी बड़ी अच्छे से, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं कल अगर मेरी डिलीवरी होने वाली है C-सेक्शन थी तो आज मैं पूरा 2 महाला छत ऊपर नीचे होके, मतलब बहुत एक्टिव थी, नीचे बैठ जाती थी, मुझे बिल्कुल थकान नहीं होती थी। लेकिन अगर मैं अपनी सेकंड इस प्रेगनेंसी के बारे में बात करूं तो फ्रॉम द डे मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं, मुझे तब से लेके अब तक मैं थोड़ा सा भी मैं कुछ करती हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ करती नहीं हूं, ये एक बहुत ज्यादा जजमेंट पास हो जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी में ऐसे कैसे, हमारे तो प्रेगनेंसी ऐसे होता है, हर एक प्रेगनेंसी ना हमारी अलग हो जाती है। इवन एक मेरी बॉडी में मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी एक अलग थी, मेरी एक सेकंड प्रेगनेंसी अलग थी, तो बॉडी डिफरेंट डिफरेंट होता है तब तो और भी ज्यादा डिफरेंट हो जाता है, तो हम अपने एक्सपीरियंस से जज नहीं कर सकते। तो वो आपको पता होना चाहिए आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, आप फिजिकली कितनी फिट हो इस वक्त, एंड आप मतलब आपका बेबी को, आपको घर का काम, आपको बर्डन कितना पड़ रहा है, तो आप सारा चीजें मैनेज कर सकते हो क्या। हेल्थ, मेडिकल कंडीशन भी, बहुत लोगों के बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मेडिकल कंडीशन भी होते हैं, तो वो सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के सबसे दूसरी चीज होता है कि मदर की हेल्थ, उसको ध्यान में रखना पड़ता है,
तीसरी चीज मुझे लगता है कि एज डिफरेंस जो होता है, आपकी पहली पहला जो आपका बच्चा होता है उस बच्चे से आपका जो दूसरा बच्चा होता है ना, उन दोनों के बीच में एज गैप कितना, नॉर्मली वो तो सबके ऊपर अपना अपना एक पर्सनल ओपिनियन हो जाता है कि कौन सा, अगर मिनिमम आप रख सकते हो तो कोई कोई साल भर के भी कोई होता है, कोई किसी के बच्चों के 2 साल होते हैं, 3 साल होते हैं। माही का, मेरी जो पहली बेटी है वो माही का अभी 5 ईयर्स की हो गई है, कंप्लीट हो गई है वो 5 ईयर्स की, एंड अभी उन दोनों में आई थिंक 5 ईयर एंड 5 एंड हाफ की गैप होने वाली है बच्चों की। सो ये ध्यान में जरूर रखना कि आपका पहला जो बच्चा है वो इंडिपेंडेंट, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाए, चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, खिलाने के लिए तो बोलते हैं कभी कभी, थोड़े बहुत तो परेशानी करते हैं, लेकिन नहीं कि खुद उनकी पॉटी ट्रेनिंग हो गई है, वो खुद जाके नहा भी सकते हैं, पॉटी ट्रेनिंग उनकी हो गई है, स्कूल जाते हैं, थोड़ा सा अपना टाइम खुद से वो मैनेज करना सीख रहे हैं, अपनी चीज़ों को खुद से रखना सीख रहे हैं, खुद से खाना पीना उनको आ रहा है, खा पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप उनको खिला भी रहे हो, नहला भी रहे हो उनको, फिर बहुत आप ही सारा कुछ, वो आप ही के ऊपर डिपेंड है, तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो कम से कम ये फैक्टर को कंसीडर करना कि आपका जो पहला बेबी है वो फुल्ली इंडिपेंडेंट हो गया है, तो आप जाके दूसरे बेबी प्लान कर सकते हो। तो 3 एंड हाफ का, डॉक्टर भी बोलते हैं कि 3 एंड हाफ का जो एज गैप होता है वो भी सही रहता है, मिनिमम का एज गैप रहता है, लेकिन किसी किसी को 4 साल, किसी के 5 साल हो जाता है, जैसे हमारा 5 एंड हाफ ईयर्स का हो रहा है। तो उससे ज्यादा अगर बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब दोनों बच्चे अगर थोड़े से सेम एज के होते हैं तो उन दोनों में बॉन्डिंग भी बहुत अच्छे से होती है, तो आप उस हिसाब से एक एज फैक्टर को भी कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद आता है कि आपका एंड आपके हस्बैंड दोनों का एज क्या होता है। तो मैं दोनों का एज इसी के लिए बोल रही हूँ क्योंकि कभी कभी बात कहेंगे, एक बार ऐसा क्या होता है कि अगर आपके जो मदर होते हैं उनकी जो पहला बेबी अगर लेट 30s में होते हैं, तो जब अगर उनको दूसरा बेबी प्लान करना ही होता है तो वो थोड़ा सा जल्दी कंसिडर करते हैं इस बात को, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लेट हो जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लेट 30s में कंसीव नहीं कर सकते, बट एग की जो क्वालिटी होती है ना, आपका एज जितना बढ़ता है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, धीरे धीरे हो जाती है। एंड वैसे ही अगर आपके हस्बैंड के एज भी बढ़ता जाता है तो उनकी जो स्पर्म की क्वालिटी होती है वो भी काफी हद तक कम होता जाता है। तो इन हस्बैंड वाइफ दोनों का एज का फैक्टर को भी कंसीडर करना पड़ता है। अगर किसी किसी मदर जैसे होता है कि 25 या फिर 26 में हो गए हैं उनका पहला बच्चा, तो अपनी लेट 20s पे 30 के अराउंड में, जैसे मैं अभी 29 की हूँ एंड मेरा ये सेकंड प्रेगनेंसी है, तो वैसे आप लोग भी प्लान कर सकते हो। तो एज एक फैक्टर को कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आपके हस्बैंड के एंड आपके दोनों बच्चों में कितना एज गैप रहेगा। उसके बाद जो आपको एक स्पेशली मदर के लिए एक बात कंसिडर करनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपकी जो पहली डिलीवरी हुई है वो क्या हुई है। अगर आपकी पहली डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है ना, तो तभी भी बोला जाता है कि 1 एंड हाफ ईयर का गैप देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी एक डिलीवरी से दूसरी सेकेंड डिलीवरी के अंदर। वहीं अगर सी सेक्शन हो जाता है तो मिनिमम 3 साल का गैप देने के लिए इवन डॉक्टर भी बोलते हैं। अगर आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट, अगर आपकी फर्स्ट सी सेक्शन होती है तो डिस्चार्ज करते टाइम आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको ये सारी बातें बहुत सजेस्ट करेंगी कि आप कितना टाइम बाद आप फिजिकली इंटीमेट होने के लिए कितना टाइम गैप आपको रखना चाहिए, या तो फिर दूसरा बेबी प्लान करने के लिए आपको करीब करीब 3 साल का गैप देना चाहिए, क्योंकि आपके बाहर के स्कार्स जो होते हैं वो तो मतलब सूख जाते हैं, सही हो जाते हैं, लेकिन आपके बॉडी के अंदर भी जो स्कार्स होता है ना, तो उसको हील करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है मिनिमम। इसी के लिए बोला जाता है कि 3 साल का गैप अगर आप देते हो तो आपके बॉडी में एक स्ट्रेंथ आती है। पहले प्रेगनेंसी के बाद आपकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है, क्योंकि पहले प्रेगनेंसी मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में हम लोग मतलब हमारे बॉडी में कुछ भी चेंजेस नहीं होते, हम लोग बहुत एक्टिव होते हैं। वहीं अगर एक सी सेक्शन जैसा, वो सी सेक्शन एक मेजर ऑपरेशन होता है, अगर वैसा कुछ हो जाता है तो आपकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है उसके बाद। तो सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे सेम सिचुएशन नहीं रहता जैसे कि आपके फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। बॉडी में ऑलरेडी एक स्कार होता है, आपकी बॉडी ऑलरेडी बहुत वीक होती है। तो कम से कम मिनिमम जो एज गैप देना, अगर सी सेक्शन है तो 3 साल का एज गैप आप दे सकते, मतलब 3 साल का गैप दे सकते हो। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी हुई है फर्स्ट में, तो आप चाहो तो 1.5 साल के बाद भी आप अपना बेबी प्लान कर सकते हो। तो इस बात का मेन आप एक बार कंसिडर जरूर करना, ऐसा नहीं कि बहुत बार ऐसा हो जाता है, मैंने देखा हुआ है अपने रिलेटिव्स में हो गए, अपने नॉन सर्कल में मैंने देखा है कि सी सेक्शन में क्या होता है ना, कि आपके जो
ये अभी डिलीवरी हुई है एंड तुरंत ही एक साल के बाद या फिर वही एक साल डेढ़ साल के अंदर वो दोबारा से कंसीव कर लेती हैं। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे आपको आप बेबी को अबॉर्ट नहीं कर सकते हो, जैसे अर्ली प्रेगनेंसी में एकदम से, तो आपको डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए आप कंटिन्यू तो कर लेते हो लेकिन आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। तो ये फैक्टर को अपने दिमाग में अच्छे से मतलब रख लेना कि सी सेक्शन हुआ है तो 3 साल का एज गैप, 3 साल का जो गैप है वो तो कम से कम 3 साल का देना। उसके बाद मेरे लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था मेरे लिए, मैं बता रही हूँ ये सारे ही आपको इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री ऐसे हिसाब से मैं उसको ले ही नहीं सकती, सब कुछ मेरे लिए प्रायोरिटी लिस्ट में ही आ रहे थे एंड ये आपके प्रायोरिटी लिस्ट में भी ये जरूर आएंगे। लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था वो था पीसीओडी। अगर आप किसी को पीसीओडी का इश्यू है, अगर किसी को थोड़ी सी इरेगुलर पीरियड्स की इश्यू है, जरूरी नहीं है पीसीओडी में हमेशा इरेगुलर पीरियड्स ही हो। अगर आपने मेरा वो प्रेगनेंसी स्टोरी सुना होगा, मैंने अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मेरा कोई जैसे इरेगुलर पीरियड्स वाली कोई इश्यू भी नहीं थी बट स्टिल मेरी माही के टाइम पे फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मुझे पीसीओडी का डिटेक्ट हुआ था प्रेगनेंसी से पहले एंड लाइफ में कभी नहीं था बट प्रेगनेंसी से पहले हुआ था एंड वो स्टोरी, दोनों स्टोरी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग देख लेना। एंड सेकेंड टाइम भी मेरे दिमाग में यही था, जैसे ही हमने बेबी प्लान के बारे में सोचा मेरे दिमाग में था कि कहीं फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे जितना सारा चीजों को मतलब जो प्रोसेस था या फिर जो भी चीजें मेरे को मेंटली फिजिकली इमोशनली मेरे को जाना पड़ा उस सबके थ्रू, कहीं सेकंड प्रेगनेंसी भी प्लान करते करते वही सेम सिचुएशन ना फेस करना पड़े। बट टच विद भगवान का एक अलग ही होता है कुछ, बट थोड़े बहुत ऐसे पता चले थे, माइल्ड स्टार्ट हो रहा था, आप लोग देखना वो वीडियो आपको पता चलेगा। तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। बहुत लोगों के लिए जिनको पीसीओडी इरेगुलर पीरियड्स ऐसा कुछ इशू नहीं है उनके लिए ये चीजें मैटर नहीं करती, लेकिन जिनको इरेगुलर पीरियड्स होती है फिर जिनको पीसीओडी ऑलरेडी पता है उनको है, उनके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि क्या हम लोग कंसीव कर सकते हैं, कहीं इसके लिए भी और लेट लेट ना हो जाए। जिसको पीसीओडी है, इरेगुलर पीरियड्स है, तो प्रेगनेंसी प्लानिंग आप जैसे ही करो आप अपने डॉक्टर के पास जाके एक बार ही अपनी बॉडी का चेकअप जरूर करवा लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग 6-7 महीने 8 महीने तक हम लोग ट्राई करते हैं बट हमको पता नहीं होता कि एग्जैक्टली क्या इश्यू हो रहा है पीसीओडी में, इरेगुलर पीरियड्स में, नॉर्मली एग की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, तो इन सब के चलते हम लोग मेंटली इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना, फिर वो सारा का इफेक्ट भी हमारे बॉडी में फिर धीरे 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 अलग तरीके से दिखने लग जाती है। तो जैसे प्लानिंग करने की सोचो तो एक बार ही अपने ब्लड अपने बॉडी का टेस्ट जरूर करवा लेना, बस वो एक स्कैन करेंगे एंड उनको पता चल जाएगा डॉक्टर को। असली ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल देना कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी इतनी स्मूथली चली गई थी एंड मुझे कुछ भी करने को नहीं पड़ा था, बिल्कुल टायर्ड नहीं हुई थी, तो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी भी मैं जब चाहे तब प्लान कर सकती हूँ एंड मेरी सेकंड प्रेगनेंसी भी इतनी स्मूथली चली जाएगी। जो लोग थोड़े से जॉइंट फैमिली में होते हैं, नॉर्मली जॉइंट फैमिली में भी बहुत ज्यादा काम करने को पड़ता है तो भी हम लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं। आजकल जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली ऑलमोस्ट बहुत सारे केसेस में सेम ही हो गए हैं, या फिर अगर किसी को सपोर्टिव फैमिली आप बोल सकते हो, अगर किसी के पास सपोर्टिव फैमिली है तो उनको थोड़ा सा फिजिकली सपोर्ट मिल जाता है बहुत सारी चीजें, लेकिन अगर कोई ऐसे न्यूक्लियर फैमिली में है या फिर किसी को जॉइंट फैमिली में होकर भी किसी की सपोर्टिव फैमिली नहीं होती है बहुतों की, तो उस केस में क्या हो जाता है ना, ये मत सोचना मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी इतनी आसानी से चली गई थी तो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी चली जाएगी। सेकंड प्रेगनेंसी फर्स्ट प्रेगनेंसी से बहुत डिफरेंट होती है, बहुत एक्सट्रीमली, एंड आपकी बॉडी हर छोटी छोटी मिनट में थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाता है, आपको एक्सट्रीम टायर्ड फील हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि 9 मंथ आते आते कि कहीं मेरा प्रीटर्म तो नहीं हो रहा है, कहीं मेरा जल्दी जल्दी तो लीवर स्टार्ट नहीं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपको फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाता है। वो इसी के लिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास ना ऑलरेडी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी पहली बेबी का, जिसको कि आप इग्नोर कर ही नहीं सकते चाह के भी, उसके अलावा अगर आप जॉब भी करते हो तो बहुत सारी चीजें, तो इन सब चीजों को हमने तो अपने माइंड में रखा हुआ था कुछ कुछ एंड मोस्टली डॉक्टर भी यही सारे फैक्टर्स आपको बोलते हैं कि इस बात को ध्यान में जरूर रखना। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो जरूर हेल्पफुल रही होगी, कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड अगर मैं आप चाहते हो मैं किसी और बारे में भी बात करूं तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर।